ओके, तो कुछ दिन पहले रूमर्स आ रहे थे कि वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी डीसी को सेल करना चाहता है, तो आज उसी पे बात करने लगा हूँ मैं। तो अगर सबसे पहले बात की जाए कि डीसी को सेल क्यों करना चाहता है, अगर देखा जाए तो कुछ देर ही पहले वार्नर ब्रदर्स को सेल किया गया था AT&T कंपनी की तरफ से, डिस्कवरी चैनल ने लिया था और इसका नाम रखा था वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी। तो ऐसा क्या हुआ अगर कुछ ही देर में वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी को डीसी को सेल करना पड़ता है या उसे सेल करने का सोच रहे हैं? और अगर डिस्कवरी डीसी को सेल भी करना चाहता है तो क्या ये पॉसिबल है? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट में था कि इसके सारे राइट्स अभी भी AT&T कंपनी के पास हैं भी या नहीं? तो कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी कोई बात नहीं है। इस वक्त जो सारे डीसी के राइट्स हैं वो इस वक्त डिस्कवरी के पास हैं और वो जैसे चाहे इसे यूज़ कर सकते हैं। वो किसी को भी आगे यूज़ करने के लिए रेंट के तौर पे दे सकता है या खुद भी यूज़ कर सकता है और इसे सील भी कर सकता है। पहली बात तो अगर देखा जाए कि वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी से सेल क्यों करना चाहता है, अगर हम डीसी में कुछ देर ही पीछे जाएं तो इनकी कोई मूवीज़ अच्छी नहीं जा रही। जब से ये डिस्कवरी के पास आया है लगातार फ्लॉप्स जा रही हैं, और उसके अलावा अब जेम्स गन के पास आ रहा है। तो अगर डिस्कवरी इसे सेल करता है तो क्या ये अथॉरिटी डीसी की अब उस वक्त भी जेम्स गन के पास रहेगी या किसी और के पास चले जाएगी? अगर देखा जाए तो डीसी को इस वक्त जो ख़रीदने के लिए सबसे पहले हाथ लिए कर रहे हैं वो है यूनिवर्सल स्टूडियोज़, जिनके पास पहले भी फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइज और काफ़ी सारी एनिमेटेड मूवीज़ हैं जो $1 बिलियन क्रॉस कर चुकी हैं। और अगर डीसी को ख़रीदना चाहता है यूनिवर्सल स्टूडियोज़, तो इसका अगर मोटा मोटा हिसाब लगाया जाए, जो बैटमैन करेक्टर है डीसी का, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट करेक्टर और मोस्ट फेमस करेक्टर जो है बैटमैन, और उसकी सारी मैथोलॉजी को मिला के उसकी जो वर्थ है वो $228 बिलियन बन रही है करीब करीब। और अगर देखा जाए जो सबसे इस वक्त दुनिया में फेमस तरीन सुपर हीरो है सुपरमैन, उसकी जो अकेली कॉमिक्स की सेल थी वो $5.3 मिलियन 2013 में निकली थी। उससे उसके बाद इसकी कोई कॉमिक की सेल रिवील नहीं की गई वार्नर ब्रदर्स की तरफ से। अगर इसके अलावा बात की जाए कि अगर कुछ लोगों के शायद जहन में आ जाए कि डीसी अगर बिक रहा है तो डिज्नी स्टूडियोज इसे क्यों नहीं बाय कर सकते, तो उसके अंदर आ जाएगा US का डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, जो कि दो बड़ी कंपनीज को आपस में मर्ज नहीं होने देता। जैसा कि हमने पहले भी देखा कि कास्कॉम और स्पेक्ट्रम होने लगी थी या कोक एंड पेप्सी होने लगी थी, तो DOJ ने आके रोक लिया था। बात करेंगे 1922 से 1933 की, तो कोका कोला ने ऑफर दी थी पेप्सी को, तब पेप्सी का डाउनफॉल चल रहा था, तो कोक ने ऑफर दी लेकिन DOJ ने इसे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया और इनका जो मर्जर है वो रोक दिया, क्योंकि इससे जो मार्केट होती है वो मोनोपोली में आ जाती है, एक ही साइड पे आ जाएगी सारी मार्केट। अगर डिज्नी ख़रीदता है वार्नर ब्रदर्स का डीसी, तो एक ही तरफ से सारी मार्केट एक हिसाब से वही ऑन कर रहे होंगे, क्योंकि डिज्नी के पास मार्वल स्टूडियोज, स्टार वॉर्स, पायरेट्स ऑफ करेबियन, पिक्सार मूवीज जैसी काफ़ी बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजीज हैं। और अगर डीसी भी उनके पास चला गया तो जो हॉलीवुड का 80% जो रेवेन्यू होगा वो सीधा डिज्नी के पास जाएगा, जो कि जस्टिस नहीं है। इसलिए US ने अपना डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस बनाया है सबको मेंटेन रखने के लिए। इसलिए अगर कोई ख़रीद सकता है डीसी को तो वो सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सल स्टूडियोज़ या सोनी पिक्चर्स हो सकते हैं। सोनी पिक्चर्स के पास पहले भी काफ़ी सारी ऐसे बड़े बड़े हैं, तो शायद DOJ उन्हें भी एक्सेप्ट ना करे एज ए बायर। बाकी मुझे तो अभी ये फेक रूमर लग रहा है, ये एक ही रूमर आया था उसके बाद ये कोई बात नहीं हुई। तो अगर कोई और रूमर आता है तो आपको इसके बारे में अपडेट कर दिया जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, तब तक अपना ख्याल रखें।